हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज आपके लिए मैं जीएस की स्पेशल ट्रिकी बना के लाया हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं अपने वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, पहले बात करेंगे हम G8 के ऊपर। ठीक है, ग्रुप 8। ठीक है, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज सम्मिलित हैं? एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं भला कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज सम्मिलित है, तो हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपका ये कंफ्यूज आज दूर ही किए देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए ट्रिक बनाई हुई है, ध्यान से देखिएगा। जीजा कई बार फ्रांस आए, ये हमारी आज की ट्रिक है। ठीक है, जीजा कई बार फ्रांस आए। फ्रेंड्स, इसमें आपको सारी कंट्रीज मिलेगी। ठीक है, वो कैसे? फ्रेंड्स, जी से बनेगा जर्मनी। ठीक है, जा से बनेगा गाइस जापान। ठीक है, कौ से बनेगा कनाडा। ई से बनेगा इटली। ठीक है, ये चार होगी। बा से बनेगा गाइस ब्राजील। ठीक है, रॉ से बनेगा रूस। ठीक है, फ्रांस से तो फ्रांस ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा फ्रांस। आई से बनेगा गाइस ऑस्ट्रेलिया। क्लियर, ये इसमें 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, जी से जर्मनी, जा से जापान, क से कनाडा, ई से इटली, बा से ब्राज़ील, रॉ से रूस, फ्रांस से फ्रांस ही रहेगा, आई से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये इसमें 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। गैस, आज का जो टाइम है ना यार, स्मार्ट वर्क का है। हार्ड वर्क भी होता है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना मत छोड़िएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है स्मार्ट वर्क भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ब्रिक्स। फ्रेंड्स, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज होती हैं? ठीक है गाइस, इसमें जो है इसी में सम्मिलित मिलेगी आपको, जो भी आपको कंट्रीज होती हैं इसके नाम पर ही आपको मिलेगी, ब्रिक्स में ही मिलेगी। वो कैसे? बी से ब्राजील, आर से बनेगा रसिया, आई से बनेगा गाइस इंडिया, सी से बनेगा गाइस चाइना, एस से बनेगा साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये गैस में 5 कंट्रीज पड़ती हैं। ठीक है, ब्रिक्स में 5 कंट्रियाँ सम्मिलित हैं। ठीक है, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। गैस, सन 2010 तक ना इसमें कुल मिलाकर 4 ही कंट्रीज थी, लेकिन सन 2010 को में इसमें एक कंट्रीज और सम्मिलित हुई, उसका नाम है साउथ अफ्रीका। सबसे लास्ट में सम्मिलित होने वाली ये कंट्री है साउथ अफ्रीका, तब से जो इसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। और प्रेजेंट टाइम में भी इसमें 5 ही कंट्रीज है। ठीक है, एकदम क्लियर होगी बात आपको ब्रिक्स से रिलेटिव। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये टॉपिक रहेगा पॉलिटी के ऊपर। ठीक है, पॉलिटी। फ्रेंड्स, पहले आप ट्रिक देख लीजिएगा। तू भी मजा कर, बहुत ही फनी टाइप का है, तू तू भी मजा कर। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रिक जो है ना, ये विधान परिषद से रिलेटिव है कि किन किन राज्यों में विधान परिषद हैं। ठीक है,
हम इसमें बहुत कंफ्यूजन की सिचुएशन में रहते हैं, ठीक है, कि किन राज्यों में जो है विधान परिषद है, तो इसमें जो है कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कौन कौन सी स्टेट पड़ती हैं फ्रेंड्स, टी से बनेगा तेलंगाना, यू से बनेगा यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बी से बनेगा बिहार, एम से बनेगा गाइस महाराष्ट्र, ठीक है, जे से बनेगा जे एंड यानी कि जम्मू और कश्मीर, ए से बनेगा गाइस आंध्र प्रदेश, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स लास्ट में और बचेगा कर, फ्रेंड्स इसमें जो है कर्नाटका ही बनेगा, ठीक है, तू भी मजा कर, कर में जो है कर्नाटका बनेगा, ठीक है कर्नाटका। फ्रेंड्स ये स्टेट जो है विधान परिषद वाले हैं, विधानमंडल और विधान परिषद इन स्टेटों में सम्मिलित हैं, तेलंगाना यूपी बिहार महाराष्ट्र एंड जे एंड के आंध्र प्रदेश कर्नाटका, ठीक है। फ्रेंड्स जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश है ना, इनकी जो कंबाइंड कैपिटल है वो हैदराबाद, लेकिन जो आंध्र प्रदेश है इसकी कैपिटल बन जाएगी 2 जून 2024 को अमरावती, ठीक है, अमरावती इसकी कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। तेलंगाना 2014 को एक राज्य के रूप में उभरा था, ठीक है, सबसे लास्ट वाला स्टेट यही है इंडिया का, ठीक है। तो जो है 2024 को आंध्र प्रदेश की कैपिटल बन जाएगी अमरावती, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इन दोनों की कैपिटल है हैदराबाद, क्लियर गाइस। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में कमेंट में जाकर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी करिएगा, और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करके रखिएगा ताकि आपको मेरे जो न्यू वीडियो आने वाले हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको आती रहे, ठीक है गाइस। आपका मेरे वीडियो लास्ट तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू गाइस।